संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सिपाही ने लगाई फांसी। विश्वेश्वरगंज थाने में तैनात महिला आरक्षी निधि सिंह का शव शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे थाने के सरकारी आवास में दुपट्टे से बंधा पंखे के हुक से लटकता हुआ मिला। एसपी सिटी कुंवर ज्ञानंजन सिंह ने बताया कि 2019 बैच की महिला आरक्षी पीएनओ नंबर 19208196 निधि सिंह पुत्री स्वर्गीय मोहन सिंह उम्र 26 वर्ष उन्नाव जिले के थाना अश्विन के परासीपुर मियागंज की रहने वाली थी। दिसंबर 2019 से विश्वेश्वरगंज थाने में ही तैनात थी। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बैंक ड्यूटी पर जाने के लिए जब निधि सिंह तैयार नहीं मिली तो सहयोगी महिला सिपाहियों ने जाकर देखा, जहां उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर सिपाही का शरीर पंखे के हुक में दुपट्टे से लटक रहा था। सुसाइड नोट के संबंध में पूछने पर एडिशनल एसपी ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रथम दृष्टया फोन पर बातचीत का मामला सामने आया। कॉल डिटेल की जानकारी आने पर मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। मौके पर सीओ पयागपुर आनंद राय व महिला थाना बहराइच की प्रभारी थाना निरीक्षक उपस्थित रही। फॉरेंसिक व स्वास्थ्य टीम विश्वेश्वरगंज भी मौके पर जांच की। सिपाही के परिवार वालों को सूचना दी गई है। जब मृतका के परिवार वाले थाने पहुंचे तब मीडिया के किसी भी व्यक्ति से परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। मृतका के शव के साथ परिवार वालों को बंद गाड़ी में बैठा कर भेज दिया गया। सर, आज ये जो महिला आरक्षी फांसी लगाकर है, क्या कहना है इस पर आपके? महिला आरक्षी नीति सिंह है जो कि 19 बैच की थी, उसने आज अपने कमरे में एक कर दिया। उसके साथ एक लड़की और जो रहती थी, उन दोनों की जो ड्यूटी लगी हुई थी बैंक में और बैंक में जाने के लिए तैयार होती थी, तो उसी दौरान टेलीफोन से बातचीत हो रही थी उसकी और पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। उसके मोबाइल नंबर की भी डिटेल कोई सोशल मीडिया और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। किसी को पता लगा दिया जा रहा है। यहाँ लोकल लोगों का कहना है कि और भी कई घटनाएं हुई हैं इससे पहले, तो अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। किस तरह की घटनाएं? ऐसी घटनाएं कई हुई हैं, सात आठ घटनाएं जो लोग बता रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जो वर्कआउट और सोसाइटी की घटना। इसमें दो सुसाइडल जो केसेस थे, इसमें उन्होंने नामजदगी की है और नामजदगी इसमें 1022 हुई है, और ऐसा कोई घटना नहीं है जिसमें कहीं वर्कआउट नहीं। तो मतलब इस घटना के पीछे क्या लग रहा है कि कोई टेलीफोन से बातचीत हो रही थी, तो उसी टेलीफोन के माध्यम से सारी चीज़ें डिटेल पता चलेंगी, जल्द ही पता चलेगा। उसको स्वाट टीम को दे दिया गया है। अरे यार, काहे बात है, जांच की जा रही है। सर, कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ। तो सर, क्या उसके परिवार वाले अभी आए हैं या नहीं? परिवार वाले आ रहे हैं, हम लोग संपर्क में हैं, रास्ते में हैं, और वो बरेली बाराबंकी सीमा हमें लगता है क्रॉस कर रहे हैं। जल्दी आ जाएंगे, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं उनके आने के बाद। तो क्या डेड बॉडी पीएम के लिए जाएगी सर? हाँ, उनके आने के बाद बॉडी पीएम कराई जाएगी। सुसाइड करने का भी कोई कारण नहीं पता चल रहा है। कुछ व्यक्तिगत कारण है जो पहले प्राथमिक संकेत मिल रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण है जी, जिससे मोबाइल की डिटेल निकालने के बाद पता चलेगा। जी 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 सर, चलिए सर, थैंक।